नमस्कार साथियों, मैं हूं बंटी राजभर और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की रथ यात्रा का दूसरा दिन है और हम इस समय मुनारी के मैदान बनारस में है और यहां पर सबसे पहला कार्यक्रम बनारस में किया जा रहा है, जो कि मुनारी के मैदान में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव हैं जेपी सिंह जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चलते रहिए। आज की जो ये सावधान यात्रा पहली आज यहाँ आई है, किस परिपथ से सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट लखनऊ से लेकर के बनारस आ गए? ऐसा है, उत्तर प्रदेश की आम जनता को ये जागरूक करना है कि इस प्रदेश की विपक्षी पार्टियां जब सरकार में आती हैं तो जनहित के जो कार्य हैं, जनहित की जो ज़रूरतें हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार है, किसानों के लिए फ्री सिंचाई है और छात्रों के लिए फ्री पढ़ाई है और सर्व समाज के लिए फ्री दवाई है, ऐसी मांग जो हमारी पार्टी की है उसको पूरा करने का काम नहीं करती है। जातिगत जनगणना के अभी काम जो ये विपक्षी पार्टियां हैं सरकार में आने पर काम नहीं करती हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो विधायक जी भी हैं, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रदेश और देश के सर्व समाज के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सुहेल देव पार्टी समाज पार्टी के हम सभी साथी एकजुट होकर उनको मजबूत बनने का काम कर रहे हैं और आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम अधिक से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी आस्था व्यक्त करते हैं और पूरा काम कर रहे हैं। इस सावधान यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है? इस सावधान यात्रा से जो पार्टियां जनता को मूर्ख समझती हैं, मूर्ख बनाने का काम करती हैं, हम वो जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि उनका जो हक है, जो उनका अधिकार है वो सरकार को देना चाहिए और उसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पिछड़ों का जो हक अधिकार हो देने का काम शुरू कर दिया है, इसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है। क्या हम मानेंगे जो ये सावधान यात्रा निकाली जा रही है आगामी आने वाले चुनाव को ये जनसभा दिखा करके किसी पार्टी दल से ज़्यादा सीटें लेने के लिए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देख रहे हैं अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, बिहार से चले हुए हैं, जगह जगह जुलूस में इतना उनका स्वागत हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और मीडिया आप यहाँ देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसके कई गुना लोग सड़कों पे और पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं, तो पूरा जन समर्थन हमारे पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है और ये जन समर्थन ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा हम अधिक से अधिक सांसद को जिता के इस देश की जो सरकार बनेगी वो बिना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के नहीं बन सकती है, ये आपको सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे राष्ट्रीय महासचिव थे, जो कि इनसे हमने जाना कि नहीं ये कार्यक्रम किस परपज से किया जा रहा है और आप देख रहे हैं पूरे जनसभा के जनसभा में कार्यक्रम स्टार्टिंग किया जा रहा है और स्टार्टिंग में ही इतनी जनसंख्या आ गई। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो फिर आगे भी आपको हम वीडियो भी दिखाते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बंटी राजभर बनारस से, जय दूसरा बना लेंगे। आज के इस कार्यक्रम से क्या लग रहा है कि आने वाला ये कुछ लोगों ने कहा था कि बनारस में हम आपकी रथ यात्रा को घुसने नहीं देंगे, लेकिन आज इस कार्यक्रम को इस बनारस में सफल क्या लगता है कि पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा? ऐसा है, जो विक्षिप्त लोग हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ताकत को नहीं जानते, जिसके साथ पूरा प्रदेश और देश की जनता है, वो राजभर समाज ही नहीं बल्कि सब समाज के साथी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी होकर उभर रही है। आने वाले समय में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में या तो हम सरकार बनाने वाले हैं या बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, बेसहारों के लिए हैं, बेरोजगारों के लिए हैं और इसीलिए सर्व समाज के साथी आपको देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा साथी हैं, इनसे भी ये भी आप जी 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 जनता जनता